सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचला परी मामला। सीबीआई तदंत पाई पिटीशन दाखल कले परीर मा। राज्यर निखोज पिलांकु नै सीबीआई तदंत दाबी। पक्ष रखिबाकु ओडिसा सरकार और सीबीआई को नोटिस। नयगड़ नाबालिका हत्या मामलार तदंत करी पारे सीबीआई, कारण सुप्रीम कोर्ट एने राज्य सरकार को नोटिस जारी करी। गत 29 तारीख में सुप्रीम कोर्ट रे द्वारस्थ होइतिले परीर मा, जहार सुनानी करी एही नोटिस जारी करी सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस बी आर गर्भी, जस्टिस कृष्णा मुरारी को नहीं गठित बेंच मामलार सुनानी करी ओडिशा सरकार और सीबीआई को नोटिस करी। मामलार शुणी बेले राजनैतिक हस्तक्षेप प्रसंग मध्य उठीला। आवेदन में केवल परी नुहे, परी राज्य में प्रत्येक दिन निखोज होता 13 जन पिलांकर संधान सीबीआई करने को दावी करते कुनी झीर माँ। परी मामलें नयगढ़ पुलिस निर्यातना ठू आरंभ करी मंत्री अरुण साहू संप्रति अभोग कथा उल्लेख रही। एसआईटी निरपेक्षता को नहीं भी एथिरे प्रश्न उठा जा। बच्ची का मैटर लगा था जिसके साथ वो किडनी रेप भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है, उसकी किडनी भी निकाली गई है ओडिशा में। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने एक रेप पिटीशन फाइल की थी, जो विक्टिम माइनर गर्ल थी उसकी माँ के नाम से सुप्रीम कोर्ट आई थी। और आज वो केस जस्टिस खानवलकर, जस्टिस गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी के बेंच पे मैं केस लगा था। उनके बहस को सुनने के बाद ये पाया कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा है, और इसीलिए नोटिस इशू कर दिया स्टेट ऑफ ओडिशा को कि क्यों ना ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये जो घटना हुई है, जो वो बच्ची के साथ वो जो घटना हुई है, वो उससे बड़ी अमानवीय घटना हो नहीं सकती। और उसको उस जो इन्वेस्टिगेशन जैसे हो रही है, जैसे जो पीड़ित लड़की है, जो डिसीज लड़की है, उसके माँ बाप को जैसे धमकी मिल रहे हैं, जैसे कुछ लोकल पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस दिख रहा है मैटर में, ये सारी चीजें आज बहस हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। ये अब अगली हियरिंग 1 महीने बाद होगी, 4 वीक का टाइम दिया है नोटिस रिवर्ट करने के लिए। पुणी एसआईटी को लगी आउ एक झटका। अभियुक्त नाबालक ब्रेन मैपिंग आवेदन को अनुमति देना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। नाबालक असहमति कारण अनुमति देना बोर्ड। एथिसह नाबालक को रिमांड रे नैथिबा समय रे ताकु दिया जाइथिबा निर्यातना संपर्क रे जवाब मागिबाकु बोर्ड को अनुरोध करिसंती नाबालकक वकील। नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग रे विफल हेबा परे नाबालकर एलवीए बा लोअर वॉइस एनालिसिस टेस्ट कराइबा पई आवेदन करिछि एसआईटी, जहार सुनानी असंता 20 तारीख को धार्य करा जाइछि। घटना 20 तारीख को वर्तमान स्थगित रहला। एलवीए आमे जो आज अप्लाई करिछु तारीख से दिन शुणा हे, तो जेहेतु से सहयोग कलाना ब्रेन मैपिंग तेना आज ता खारज होम तरफ आज एल भि ए आवेदन करेयर भयस आनालीसी यहाँ परवर्त समय शुणा हे। जो ब्रेन मैपिंग जो प्रेयर करते मान्यवर बोर्ड रिजेक्ट कले आज एवं आम जनईचु जे एस आई टी जोबले रिमांड रे नहीं सेतबले किभली सीसीएल उपरे सेमाने ताकु टॉर्चर करिथिले से संपर्क रे आमे जणैछु, तार विचार मध्ये 20 तारीख को रखा जाइछि। गोटिए पटे अभियुक्त विरोध रे जथेष्ट प्रमाण थिबा कहिथिले एसआईटी मुख्य, किंतु थरकु थर भूल प्रमाणित हेबारे लागिछन्ति अरुण बोथ्रा। कोर्ट रे बोथ्रा देथिबा कोनोसी प्रमाण सिद्ध हेउ नाही। एबे गोटिए विकल्प हि दिसुछि सीबीआई तदंत। प्रश्न उठुछि सीबीआई तदंत नहीं होता नोटिस कौन उत्तर रखिबे राज्य सरकार। एसआईटी बेनकाब हेबा परे राज्य सरकार का निकट रे विकल्प कौन रही। ए सब भितर कुनी झीर परिवार को न्याय मिलिबो तो। एसआईटी और फोरेंसिक रिपोर्ट रे जो तालमेलर अभाव रही तार षड्यंत्रकारी सामना को आसिबे तो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।